in the first part of chapter 7, we have studied animal tissues completely, and make sure you have to draw the diagrams of all the animal tissues in your diagram copy. सारे डायग्राम्स आपको ड्रॉ करने हैं. नाउ लेट अस मूव ऑन टू सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. नाउ इफ यू लुक इन टू टेक्स्ट बुक यू विल फाइंड टू एनिमल्स टू स्टडी. एक है अर्थफॉर्म एंड सेकेंड इज कॉकरोच. ओके, बट जो अर्थफॉर्म है ना उसको रिमूव किया गया है सिलेबस में से, बोथ CBSE सिलेबस एंड NCERT में से रिमूव किया है उसको, एंड NEET सिलेबस में से भी इट इज रिमूव. बट कॉकरोच वी हैव टू स्टडी. So in organ and organ system, even if in the textbook you will find earthworm and cockroach, we have to study only cockroach. Cockroach ka study karna hai hum logo ko. And when it comes to cockroach means animal hai, to obviously humne living world mein classification dekha tha animals ka. Ek koi bhi animal hota hai, hum logo ne grouping kiya tha, right? Same animals ko ek group mein dal diya tha. So let us see that grouping again, थोड़ा सा briefly revise कर लेते हैं. What was the biggest group of animals called? जो सबसे बड़ा group होता है जिसमें सारे animals involve होते हैं, सारे animals include होते हैं, that group is called as kingdom, right? तो kingdom एक ऐसा group है animals का जिसमें सारे types के animals included है. Kingdom के नीचे आता है King Philip. Phylum, right? King Philip called. Phylum से नीचे class. King Philip called. Ordered. Class के नीचे वाला group ordered. King Philip called. Ordered. Family. Order से छोटा group कौन सा है? Family. And family से छोटा group है genus, मतलब gathering. King Philip called. Ordered. Family gathering. Soon. सून के लिए स्पेसीज. ओके, सो दीज आर द क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया. सबसे छोटा ग्रुप स्पेसीज होता है जिसमें सेम सेम एनिमल्स इन्वॉल्व होते हैं. बट जैसे जैसे हम अपर कैटेगरी में मूव होंगे, थोड़े थोड़े सेम एनिमल्स, फिर एक फैमिली वाले एनिमल्स, देन सेम ऑर्डर वाले, देन सेम क्लास, देन सेम फाइलम, एंड लास्टली किंगडम में सारे एनिमल्स इंक्लूड हो जाएंगे अगर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं. तो जब हम कॉकरोच की बात करते हैं तो कॉकरोच तो किंगडम एनिमलिया में, कॉकरोच इज इंक्लूडेड इनटू किंगडम एनिमलिया, राइट? बिकॉज इट इज एनिमल, राइट? देन फाइलम, व्हेन वी टॉक अबाउट कॉकरोच, ऑलरेडी हमने क्लासिफिकेशन में याद करो फाइलम स्टडी किए थे, नॉन वर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स. नॉन वर्टिब्रेट्स के हमने कैटेगरीज पी सी सी पी ट्रिपल ए मी एंड एच, ये सारे फाइलम स्टडी किए ना. फाइलम तो फाइलम्स के इतने टाइप हैं, तो इसमें से कौन से फाइलम में कॉकरोच इज इन्वॉल्व? तो पोरीफेरा में तो नहीं है, देन सिलेंटरेटा नहीं है, निडारिया सिलेंटरेटा, टेनोफोरा नहीं है, देन फ्लैटी हेलमेंटिस नहीं है, एस्क हेलमेंटिस में कॉकरोच इज नॉट इन्वॉल्व, देन एनेलिडा, देन ऑर्थ्रोपोडा, राइट, then mollusca, then echinodermata and hemichordata. This is the phylum of cockroach. Arthropoda, याद है arthropoda, joint feet जिसको बोलते हैं. तो phylum है cockroach का arthropoda. Okay. Whereas class की बात करते हैं ना, तो class is insecta. Okay. Class is insecta and order, family, genus, species. ऑर्डर फैमिली को हम लोग अभी कंसिडर नहीं करेंगे, बट जीनस स्पेसिस एक मोस्ट कॉमन कॉकरोच है जिसका नाम है पेरीप्लेनेटा अमेरिकेना, जीनस एंड स्पेसिस. सो जीनस और स्पेसिस को इंक्लूड करके एक कॉकरोच का एक नाम है जो बहुत कॉमन है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना. ओके, जीनस स्पेसिस, या फिर आप जीनस के आगे ये लिख सकते हो पेरीप्लेनेटा, स्पेसिस के आगे लिखना है अमेरिकेना. सो दिस इज मोस्ट कॉमन कॉकरोच दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. सो अगेन कॉकरोच का एक हमने ओवरव्यू देखा कि इफ कॉकरोच इज एनिमल देन इट बिलोंग्स टू किंगडम एनिमेलिया, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा जो हमको ऑलरेडी मालूम है, क्लास इंसेक्टा, देन जीनस
पेरीप्लैनेटा एंड स्पेसीज अमेरिकेना. तो एक ऐसा कॉकरोच पेरीप्लैनेटा अमेरिकेना नाम का कॉकरोच वी आर गोइंग टू स्टडी. वैसे तो बहुत सारे स्पेसीज होते हैं कॉकरोच के, बट वी आर गोइंग टू स्टडी स्पेसिफिकली ये वाला स्टडी करने वाले हैं हम लोग, जिसका नाम है पेरीप्लैनेटा अमेरिकेना इन दिस चैप्टर. हम लोग स्टडी करने वाले हैं एंड उसमें कौन सा स्पेसीज, पेरीप्लैनेटा अमेरिकेना. बहुत सारे स्पेसीज है कॉकरोच के, बट वी आर गोइंग टू स्टडी पेरीप्लैनेटा अमेरिकेना. नाउ अबाउट दिस कॉकरोच, अबाउट एवरी कॉकरोच, नॉट ओनली दिस पेरीप्लैनेटा अमेरिकेना, जनरली कॉकरोचेस के बारे में हमको क्या प्रेजेंट है, क्या पता है. तो दे आर नॉक्चर्नल. नॉक्चर्नल मतलब वो रात में बाहर निकलते हैं. ओके, उसको बोलते हैं नॉक्चर्नल. नॉक्चर्नल मतलब नाइट में बाहर निकलना. देन दे आर ओमनीवोरस. ओमनीवोरस, ओमनीवोरस मीन्स हर्बीवोरस भी है और कार्निवोरस भी है, मतलब सारी चीजें, जो भी चीज सामने आ जाए वो खा लेते हैं. ओमनी मीन्स ऑल. ओमनी मीन्स ऑल, एवरीथिंग. दे ईट एवरीथिंग. देन दे लिव इन डैम्प प्लेसेस. सबको पता है जहां पे पानी है या फिर जहां पे वेट है, गीली जगह है जहां पे बहुत दिन से पानी जमा हो रहा है और सनलाइट नहीं है, स्पेशली सनलाइट नहीं है. दे लिव इन डैम प्लेसेस वेयर सनलाइट डजंट रीच. ओके, दे आर ओमनी प्रेजेंट. ओमनी का मतलब अभी मैंने बताया ना, ओमनी मतलब एवरीथिंग. तो ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी पूरे वर्ल्ड में. आप कोई भी कंट्री में जाओ तो कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं ना स्पेसिफिक कंट्री में नहीं पाए जाते हैं, राइट. बट दिस कॉकरोच इज सच एन एनिमल जो हर एक कंट्री में प्रेजेंट है. प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट. ओमनी प्रेजेंट है, प्रेजेंट एवरीवेयर. देन सीरियस पेस्ट है, मतलब पेस्ट है, डैमेज करते हैं हमारी चीजों को, हमारे फूड को एंड एवरीथिंग. दे आर सीरियस पेस्ट. दे आर वेक्टर्स ऑफ डिसीजेस. डिसीजेस को कैरी करते हैं. वेक्टर्स मतलब कैरी करना. तो बहुत सारे डिसीजेस, अगर हमारे घर में कॉकरोच है तो बहुत सारे डिसीजेस कॉकरोच के थ्रू हमको हो सकते हैं. कॉकरोच के थ्रू होना मतलब वेक्टर्स. कॉकरोच एक्ट्स एज अ वेक्टर्स ऑफ डिसीजेस. जो डिसीज वाला बैक्टीरिया या फिर डिसीज वाला कोई जर्म होगा ना, उसको लेके वो घूमते हैं कॉकरोच. तो इफ अ फूड इज लेफ्ट अनकवर्ड, एक कुछ खाना हमने रख दिया जिसके ऊपर कवर नहीं रखा है, एंड इफ अ कॉकरोच टचेस दैट, कॉकरोच गो एंड ऑन दैट फूड, और वो कॉकरोच के बॉडी में अगर कोई बैक्टीरिया है या फिर वायरस है, तो हमारा फूड कंटामिनेट हो सकता है बाय द बैक्टीरिया एंड वायरस, एंड व्हेन वी ईट दैट फूड वी गेट डिसीज. तो वेक्टर्स है, डिसीज के जर्म्स को कैरी करते हैं वो, क्योंकि दे आर प्रेजेंट इन बहुत गंदी जगह पे प्रेजेंट होते हैं, डर्टी प्लेसेस पे प्रेजेंट होते हैं. तो ऑब्वियसली डर्टी प्लेसेस पे बैक्टीरिया तो रहेंगे, तो उनके बॉडी के ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं. सो दे आर कॉल्ड एज वेक्टर्स ऑफ डिसीजेस. एंड देन लास्टली दिस पॉइंट, ये हमने एक शॉर्ट में देखा पेरीप्लैनेटा अमेरिकेना का, कि शॉर्ट ओवरव्यू देखा, बट इसको हम और डिटेल में स्टडी करने वाले हैं आगे. नाउ लास्ट दिस, डेवलपमेंट इज पावर ऑफ मेटाबोलस. इसका जो डेवलपमेंट होता है ना ये कॉकरोच का, स्पेशली पेरीप्लैनेटा अमेरिकेना का, दिस इज पावर ऑफ मेटाबोलस. पावर ऑफ मेटाबोलस का मतलब उसके लाइफ में एक स्टेज आता है जिसको बोलते हैं निम्फल स्टेज. नाउ यहाँ पे दिस इज, इसको हम बोलेंगे कॉकरोच का एम्ब्रियो बोल सकते हो, इनिशियल स्टेज, स्टेज वन है. ओके, फिर थोड़ा सा वो डेवलप होगा, दिस इज स्टेज टू, दिस इज स्टेज थ्री. ओके, स्टेज थ्री. अब देखो ये इसका जब बर्थ हुआ, ये कॉकरोच का एग हैच हुआ, तो ये ऐसा था. दिस इज एग, ये एग में से ये ऐसा हैच हुआ है ये कॉकरोच, और फिर ये ऐसा हुआ, फिर ये स्टेज थ्री आया, ये ऐसा है, देन ये स्टेज फोर है. ओके, स्टेज फोर एंड सो ऑन. ऐसा करते करते 13 स्टेज आ जाएगा. ओके, 13 स्टेज, इसको बोलते हैं निम्फ स्टेज. व्हाट इज दिस कॉल्ड एज निम्फ स्टेज, मतलब ये 13 बार चेंज हुआ. देखो यहाँ पे ऐसा था फिर ऐसा, इसको बोलते हैं मोल्टिंग. मोल्टिंग मतलब चेंज होना.
चेंज, ओके कितने बार चेंज हो रहा है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, 13 बार चेंज हो रहा है. लास्ट जो है वो निम्फ स्टेज है, निम्फ स्टेज जहां पे ऑलमोस्ट कॉकरोच जैसा जो एनिमल है वो रेडी हो गया है और यहाँ पे विंग्स नहीं है. ये याद रखना है कि ये जो निम्फ स्टेज है ना, यहाँ पे विंग्स नहीं है. कॉकरोच को विंग्स होते हैं ना, तो विंग्स नहीं है, यहाँ पे है विंग पैड्स. ये याद रखना है, विंग पैड्स. और अभी और इसका ग्रोथ होगा आगे और ये बनने वाला है एडल्ट कॉकरोच, एडल्ट कॉकरोच. एंड दैट एडल्ट कॉकरोच को देखो, विंग्स, इट हैज गॉट विंग्स, इट हैज गॉट लेग्स. दिस इज 14th स्टेज बोल सकते हो या फिर इसको एडल्ट बोल सकते हो, एडल्ट कॉकरोच. ओके, सो नाउ ये जो एडल्ट कॉकरोच है, ये स्टेज तक रीच करने के लिए इसको कितनी स्टेजेस से जाना पड़ा, 13 स्टेजेस. ये याद रखना है, मोल्ट कितने बार हुआ, 13 बार हुआ है ये मोल्ट. मोल्टिंग मतलब चेंजेस होना, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, धीरे 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 ग्रोथ हो रहा है इसका. एंड लास्टली इट बिकम अ एडल्ट. तो इट ग्रोज बाय मोल्टिंग 13 टाइम्स. ये याद रखना, इट ग्रोज बाय मोल्टिंग 13 टाइम्स टू रीच द एडल्ट स्टेज. और लास्ट ये जो निम्फ स्टेज होती है, ये निम्फ स्टेज, इसको भी आप निम्फ स्टेज बोल सकते हो. दिस लास्ट निम्फ स्टेज कंटेन्स विंग पैड्स. ये याद रखना है, विंग पैड्स. और उसके बाद विंग्स आ जाएंगे एडल्ट स्टेज में उसको. बट 13 बार ये चेंजेस हो रहा है विंग पैड्स है और एडल्ट को देखो विंग्स आ गए हैं. सो ऐसी डेवलपमेंट जहां ये 13 बार चेंज हो रहा है, ऐसी डेवलपमेंट को ये वर्ड दिया है पैरा मेटाबॉलस. ओके, पैरा मेटाबॉलस मतलब कितने बार चेंजेस हो रहे हैं उसके बॉडी में, 13 बार, 13 स्टेजेस. और ये जो स्टेज है इनको बोलते हैं निम्फ स्टेज. ये स्टेजेस को निम्फ स्टेज बोलते हैं, याद रखना, निम्फल स्टेज बोल सकते हो. और ये जो लास्ट निम्फ है वो बिल्कुल एडल्ट जैसा ही है, बट एडल्ट और निम्फ में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे विंग पैड्स है और एडल्ट में विंग्स है. तो दिस इज वेरी स्मॉल थिंग, ये वर्ड इसमें याद रखना है, पैरामेटाबॉलस और निम्फ क्या होता है ये याद रखना है. ओके, निम्फ और एडल्ट, दिस इज निम्फ एंड दिस इज एडल्ट. एंड 13 टाइम्स ये मोल्टिंग होता है, दिस वर्ड यू हैव टू रिमेम्बर 13 टाइम्स. तो दिस वॉज शॉर्टली अ फ्यू थिंग्स अबाउट द पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस कॉकरोच फ्रॉम एक्सटर्नल व्यू. एंड याद करो, एक्सटर्नल स्टडी ऑफ एक्सटर्नल पार्ट को क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी, राइट. तो पहले हम तो मॉर्फोलॉजी स्टडी करेंगे कॉकरोच का, मतलब एक्सटर्नल पार्ट्स, एंड देन इंटरनल पार्ट्स मतलब एनाटॉमी. एनाटॉमी और एनाटॉमी मीन्स स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स. तो पहले मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से इसको स्टडी करेंगे, एंड देन एनाटॉमी मतलब इंटरनल पार्ट्स इसके स्टडी करेंगे. सो लेट अस मूव ऑन टू मॉर्फोलॉजी या फिर एक्सटर्नल स्टडी. कॉकरोच का हम लोग एक्सटर्नल स्टडी करेंगे जिसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी. वी हैव ऑलरेडी सीन एक्सटर्नल स्टडी को मॉर्फोलॉजी बोलते हैं. सो कॉकरोच पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना का बाहर से हाउ इट लुक्स. सो व्हेन वी सी इट फ्रॉम आउटसाइड, कंपाउंड आईज, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, एंड ये ऐसी सेगमेंट्स दिखेंगी कॉकरोच के बॉडी के ऊपर. दीज आर द सेगमेंट्स, इनको ऐसी लाइनिंग्स दिखेंगी कॉकरोच के बॉडी के ऊपर, विच आर कॉल्ड एज सेगमेंट्स. ओके, सो बॉडी इज सेगमेंटेड, ये याद रखना है. एंड यहाँ पे देर इज वन विंग, सेकेंड विंग, ओके विंग्स है, देन देर आर लेग्स. ओके, लेग्स आर देयर, थ्री, टू पेयर ऑफ विंग्स, थ्री पेयर ऑफ लेग्स आर देयर. ये हम बाद में स्टडी करेंगे, बट बॉडी इज सेगमेंटेड, ये याद रखना है. और ये बॉडी के ऊपर एक कवर होता है, कवर, ओके, कवर जो बना है चाइटिन से. चाइटिन एक शुगर है. ओके, दिस कवर
बॉडी इज कवर्ड बाय चाइटिन नाम की शुगर है, उसका एक कवर होता है बॉडी के ऊपर, एंड दिस कवर इज कॉल्ड एज एक्सोस्केलेटन. ये याद रखना है, एक्सोस्केलेटन. स्केलेटन एक्सो मतलब बाहर, मतलब बॉडी जो है इसकी कॉकरोच की वो बाहर से चाइटिन नाम का एक्सोस्केलेटन है, चाइटिनस एक्सोस्केलेटन. ये याद रखना है. इट इज अ हार्ड कवरिंग, हार्ड कवरिंग, हार्ड कवर ऑन द बॉडी ऑफ द कॉकरोच. ओके, एंड व्हेन यू विल सी द कॉकरोच फ्रॉम आउटसाइड यू विल सी द सेगमेंट्स. ओके, सेगमेंट्स ऑन द बॉडी. सेगमेंट मीन्स लाइनिंग्स, छोटे छोटे पार्ट्स दिखेंगे उसके बॉडी के. सो दिस इज व्हाट वी सी फ्रॉम आउटसाइड. नाउ वन मोर थिंग इज दैट ये जो सेगमेंट्स है इसके बारे में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बॉडी के ऊपर सेगमेंट्स है. सपोज दिस इज अ कॉकरोच एंड उसकी बॉडी के ऊपर ये सेगमेंट्स है, राइट? छोटे छोटे सेक्शंस है, इनको आप सेगमेंट्स बोल सकते हो या फिर आप इनको बोल सकते हो हार्ड प्लेट्स, प्लेट्स भी बोल सकते हो. ओके, ये जो पार्ट्स है इनको आप सेगमेंट्स भी बोल सकते हो या फिर हार्ड प्लेट्स बोल सकते हो, क्योंकि ये हार्ड होते हैं, चाइटिनस होते हैं, चाइटिनस एक्सोस्केलेटन. ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो सेगमेंट्स हैं, मेनी हार्ड प्लेट्स, ये जो बहुत सारी हार्ड प्लेट्स होती है कॉकरोच के बॉडी पे, उनको सेगमेंट्स बोलो, हार्ड प्लेट्स बोलो, या फिर और एक यू कैन कॉल देम स्क्लेराइड्स. ओके, स्क्लेराइड्स मतलब सेगमेंट्स या फिर हार्ड प्लेट्स ऑन द कॉकरोच बॉडी. ये याद रखना, जनरल टर्म है स्क्लेराइड्स. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट हैपेंस कि ये जो कॉकरोच है सपोज ऐसे है, सो दिस पार्ट इज डॉर्सल एंड दिस पार्ट इज वेंट्रल. जो कॉकरोच का हमको ऊपर से पार्ट दिखता है, जैसे नीचे कॉकरोच है जमीन पे, तो जो पार्ट हमको ऊपर से दिखता है वो कौन सा है, वो डॉर्सल पार्ट है, राइट? और नीचे वाला पार्ट कौन सा है, वेंट्रल पार्ट है. तो ये जो सेगमेंट्स है ना, ऊपर की तरफ भी है और नीचे की तरफ भी है, राइट? क्लियर, एम आई क्लियर? तो ये जो सेगमेंट्स है ना, तो ऐसे अगर ऊपर की तरफ है, आप कॉकरोच को ऊपर की तरफ से देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, तो इसको हम बोलेंगे डॉर्सल, राइट? डॉर्सल. और आप यही कॉकरोच को अगर उल्टा देख रहे हो, यही कॉकरोच को इस तरफ से देख रहे हो, नीचे से उल्टा देख रहे हो, तो इसको बोलेंगे वेंट्रल, ठीक है? वेंट्रल साइड. तो ये जो सेगमेंट्स है ना, ये जो प्लेट्स है, वो डॉर्सल साइड पे भी है कॉकरोच के, और आपने कॉकरोच को अगर उल्टा देखते हो तो वेंट्रल साइड पे भी ये प्लेट दिखेगी आपको. ओके, डॉर्सल एंड वेंट्रल, कुछ नहीं, प्लेट्स ही है, सेगमेंट्स ही है. डॉर्सल साइड में भी ऐसी लाइनिंग दिखेगी और वेंट्रल साइड में भी ऐसी ही लाइनिंग दिखेगी. बट डॉर्सल साइड में अगर है तो उसका नाम है टर्जाइट्स. बहुत सारे हैं, इनको बोलते हैं टर्जाइट्स, और सिंगल है तो टर्गा. तो इमीडिएटली जैसे ही ये वर्ड आता है ना कभी भी ये चैप्टर में, टर्गा, टर्जाइट्स, समझ लेना कौन सी साइड है कॉकरोच की, डॉर्सल साइड है. और जब भी वेंट्रल साइड का आएगा तो देयर विल बी वर्ड स्टर्नाइट, स्टर्नाइट्स या फिर स्टर्ना. ओके, जब भी वर्ड आएगा स्टर्नाइट्स या फिर स्टर्ना, दैट मीन्स विच पार्ट ऑफ द कॉकरोच बॉडी, वेंट्रल मतलब नीचे वाला एंड डॉर्सल मतलब ऊपर वाला. तो दिस साइड डॉर्सल, दिस साइड वेंट्रल. इधर अगर लाइनिंग्स है कॉकरोच के बॉडी के ऊपर तो टर्जाइट्स, या फिर सिंगल है तो टर्गा, एंड इस तरफ लाइनिंग्स है तो स्टर्नाइट्स, और सिंगल है तो स्टर्ना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस वर्ड विल कम ऑफन. तो व्हेनेवर आई विल से टर्गा, यू हैव टू कनेक्ट इट टू डॉर्सल साइड. टर्गा मतलब डॉर्सल साइड. कभी भी क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू टर्गा, मतलब कौन सा साइड, ये डॉर्सल साइड. एंड रिलेटेड टू स्टर्ना अगर क्वेश्चन आता है तो वेंट्रल साइड. सो सेगमेंट्स को जनरली, ये जो टर्जाइट्स, डॉर्सल है तो टर्जाइट्स, वेंट्रल है तो स्टर्नाइट्स, दोनों को कॉमन में क्या बोलते हैं, स्क्लेराइड्स. ओके, एंड ये जो दो सेगमेंट्स है, सपोज दिस इज वन सेगमेंट एंड दिस इज सेकेंड सेगमेंट, ये दो सेगमेंट्स के बीच में एक थिन मेम्ब्रेन होती है, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन. ये आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन सारे, सपोज दिस इज वन स्टर्ना,
दिस इज सेकेंड स्टर्ना. तो इन दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन है, जॉइंट है, जिसको बोलते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन. अगेन ये इसके और इसके बीच में देर इज आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन. ये मेम्ब्रेन जो होती है, ये सेगमेंट्स के बीच वाली, जंक्शन बोलो या फिर मेम्ब्रेन बोलो, दिस इज वेरी थिन एंड फ्लेक्सीबल. फ्लेक्सीबल होती है तो कॉकरोच को मूवमेंट में हेल्प करती है. ओके, इट इज थिन मेम्ब्रेन, इट इज फ्लेक्सीबल मेम्ब्रेन, इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ द कॉकरोच. सो आई एम रिपीटिंग अगेन, बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज कवर्ड बाय एक्सोस्केलेटन विच इज मेड अप ऑफ चाइटिन शुगर. पूरे बॉडी के ऊपर एक हार्ड सब्सटेंस है जिसको हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन, जो चाइटिन से बना है. देन बॉडी के ऊपर ऐसी हार्ड प्लेट्स है, ये प्लेट्स इनको जनरल में बोलते हैं स्क्लेराइट्स, और अगर डॉर्सल में है तो टर्जाइट्स टर्गा, वेंट्रल में है तो स्टर्नाइट्स स्टर्ना. देन ये जो हार्ड प्लेट्स है, दे आर जॉइंट टुगेदर विथ आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन. आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन एक थीन फ्लेक्सीबल मेम्ब्रेन है जो कॉकरोच को मूवमेंट में हेल्प करता है. एंड लास्टली, कॉकरोच की जो बॉडी है ना, वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस. तो ये तीन पार्ट्स है, दिस इज वन पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट एंड दिस इज थर्ड पार्ट. कॉकरोच बॉडी इज डिवाइडेड मेनली इंटू थ्री पार्ट्स. ये जो फर्स्ट पार्ट है, दिस पार्ट, जहाँ पे आईज भी इंक्लूडेड है, ओके, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज हेड, ठीक है. और ये जो सेकेंड मिडल पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज थोरैक्स. एंड ये जो लास्ट लॉन्ग पार्ट है कॉकरोच के बॉडी का, दैट इज कॉल्ड एज एब्डोमन. ओके, सो कॉकरोच बॉडी इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट. हम लोग क्या देख रहे हैं, मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल स्टडी, बाहर से व्हाट वी कैन सी. सो वी कैन सी द सेगमेंट्स, प्लेट्स दिखती है, ओके, प्लेट्स डॉर्सल एंड वेंट्रल को क्या बोलते हैं वो देखा हमने. देन हमने बॉडी को, कॉकरोच की बॉडी इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स. विच आर दोस थ्री पार्ट्स, दिस इज हेड, दिस इज थोरैक्स एंड दिस इज एब्डोमन. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दीज पार्ट्स फ्रॉम आउटसाइड. हम लोग एक्सटर्नल स्टडी ही कर रहे हैं अभी भी. तो हेड, अगर हेड को कंसिडर करते हो हेड रीजन में, तो आपको बाहर क्या क्या दिखता है, यहीं पे दिख रहा है. आईज आर देयर, एंटीने आर देयर, सो हेड में ये पार्ट है. थोरैक्स में अगर आप देखते हो तो वॉट विल यू फाइंड, एक्चुअली यहाँ पे तुमको विंग्स दिखेंगे, विंग्स. ओके, सो थोरैक्स वी आर गोइंग टू स्टडी की यहाँ पे बाहर से कौन सी चीजें दिखेगी. एंड लास्टली एब्डोमन, व्हाट वी यू विल सी इन द एब्डोमन फ्रॉम आउटसाइड. ओके, सो लेट अस स्टडी हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमन, विच आर द थ्री बॉडी पार्ट्स ऑफ द कॉकरोच. बॉडी पार्ट्स है ये कॉकरोच के. लेट अस स्टार्ट विथ हेड फर्स्ट, ये पार्ट से शुरू. नाउ जैसे हमने अभी देखा कि कॉकरोच की बॉडी जो है, इट इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमन. सो दिस इज हेड पार्ट, ये हेड पार्ट है, राइट. दिस इज थोरैक्स, थोरैक्स एंड दिस इज एब्डोमन. एब्डोमन फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट. तो लेट अस सी फर्स्ट हेड पार्ट, हेड में क्या क्या है. एज यू कैन इजीली सी, यहाँ पे आपको यू कैन सी टू आईज, राइट. बट इसकी जो आईज होती है ना, वो बहुत स्पेशल होती है. हमारी आईज सिंपल होती है, इसकी आईज कंपाउंड है. और वो जो कंपाउंड आईज है, वो हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, व्हाट आर कंपाउंड आईज. तो हेड रीजन हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, हेड रीजन. तो हेड रीजन में, रीजन नंबर वन में जो हेड है, हेड में आपको क्या क्या दिख रहा है, तो कंपाउंड आईज. पहले वी सी कंपाउंड आईज. सिर्फ आईज नहीं लिखा है, आई हैव रिटन कंपाउंड आईज, राइट. सेकेंड थिंग यू विल नोटिस इन द हेड इज दिस, इसको बोलते हैं एंटीने. ओके, दीज आर द सेंस ऑर्गन्स, कॉकरोच के सेंस ऑर्गन है. तो दीज आर एंटीने. सेकेंड थिंग यू विल सी, सिंगल इज एंटीना, ओके, सिंगल इज एंटीना.
एंड प्लूरल इज एंटी में. ओके, हम लोग हेड देख रहे हैं, हेड में हमने क्या देखा, कंपाउंड आइज और एंटी में, ये वाला पार्ट स्टडी कर रहे हैं. ओके, एंड लास्ट थर्ड पार्ट ऑफ द हेड इज माउथ, जो यहाँ पे है. ओके, सो थर्ड पार्ट इज माउथ. ओके, सो वी आर स्टडिंग हेड रीजन फर्स्ट. एंड हेड में हमने क्या क्या स्टडी किया, व्हाट वी आर स्टडीड, व्हाट आर द पार्ट्स कंपोनेंट्स ऑफ दिस रीजन हेड. एक तो है कंपाउंड आईज, देन एंटीने एंड देन माउथ. तो ये जो कंपाउंड आईज है, हम लोग सेंस ऑर्गन में आगे स्टडी करने वाले डिटेल में, एंटीने भी स्टडी करेंगे. बट ये जो माउथ है ना, ये माउथ ऐसे यहाँ पे दिख रहा है, बट इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज जस्ट लाइक अवर माउथ. हमारा माउथ कैसा है देखो, अपर लिप है, लोअर लिप है, देन अपर जॉ, ये दो अपर जॉ दिख रहे हैं, लोअर जॉ दिख रहे हैं. तो हमारा जो माउथ है ना, माउथ जो चीविंग में हम जो जो भी पार्ट्स हमको हेल्प करते हैं, वो क्या है, अपर लिप, लोअर लिप, एंड ऑब्वियसली टंग भी है अंदर, टीथ भी है. सो अपर मेनली बाहर से हमको क्या दिखता है, अपर लिप, लोअर लिप, अपर जॉ एंड लोअर जॉ. तो ऐसा ही माउथ कॉकरोच का भी है. तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस माउथ हियर, बट आपको बुक में जो डायग्राम दिया है माउथ का, वो ड्रॉ करना है. तो ऐसे हम लोग ड्रॉ करेंगे. दिस इज सपोज अपर लिप. ओके, ये अपर लिप जैसा पार्ट है जिसको बोलते हैं लेब्रम. ओके, लेब्रम. फिर जो हमारे अपर जॉ है ना, वैसे इसके भी जॉ है, इसको बोलते हैं मैंडिबल्स. दो है, दिस वन एंड टू, मैंडिबल्स, मैंडिबल्स. देन कम्स लोअर जॉ. ये हमारा जैसे लोअर जॉ है, वैसे इसका भी लोअर जॉ है, जिसको बोलते हैं, दो है ना, वन एंड टू, राइट लेफ्ट. सिंगल है तो मैग्जिला, बट दो है तो मैग्जिले. ओके, सो लेब्रम लिप बोलो, एक लिप ऊपर है उनका, एक लिप नीचे होगा, जैसे हमारा अपर लिप लोअर लिप है. लेब्रम, फिर मैंडिबल्स, फिर मैग्जिले, और यहाँ पे लोअर लिप बोलो, या फिर दो लिप्स तो रहेंगे ना. तो जैसे ये एक लिप है, वो वैसा और एक यहाँ पे लिप. तो यहाँ पे एक्चुअली पाल्स होते हैं, मैक्सिलरी पाल्स, सेंस ऑर्गन्स होते हैं यहाँ पे. सो दिस पार्ट, और ये बन गया इसका माउथ. दिस इज माउथ, जैसे हमारा माउथ है वैसे इसका भी माउथ. सो लेब्रम, मैंडिबल्स, मैक्सिले, एंड ये इसको बोलते हैं लेबियम. लेबियम, देखो दोनों में डिफरेंस है. दिस इज लेब्रम एंड दिस इज लेबियम. ओके, सो लेब्रम, मैंडिबल्स, मैक्सिले एंड लेबियम. सिंपल याद रखना है, जैसे हमारा अपर लिप है, फिर अपर जॉ, लोअर जॉ एंड लोअर लिप, वैसे लेब्रम अपर जॉ, लोअर जॉ एंड लोअर लिप, ऐसे भी याद रख सकते हो. बट यही नाम आपको याद रखना है, लेब्रम, मैंडिबल्स, मैक्सिले एंड लेबियम. तो दिस इज माउथ. एंड हमारे माउथ के अंदर बताओ क्या है, टंग इज देयर, राइट. तो इसके भी माउथ के अंदर देयर विल बी टंग, एंड इसके टंग को टंग नहीं बोलेंगे, हाइपोफैरिंग्स. हाइपोफैरिंग्स मीन्स टंग. ओके, हाइपोफैरिंग्स मीन्स इसकी टंग. ओके, इसके टीथ जो है, जो हमारे जैसे माउथ में नहीं होते, इसके टीथ इसके स्टमक में होते हैं, वो हम लोग देखेंगे बाद में, बट टीथ नहीं है प्रेजेंट यहाँ पे. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माउथ. ये माउथ के पार्ट्स है. इसके लिए एक निमोनिक है, जो आप लोग अगर याद रखोगे तो यू विल फाइंड दिस पार्ट इजी. पहला लेब्रम है, दूसरा पार्ट मैंडिबल्स है, तीसरा मैक्सिले है, एंड चौथा है लेबियम. ये चार पार्ट से माउथ बना है, राइट. एंड ये जो है, ये टंग है ना, टंग मतलब हाइपोफैरिंग्स. टंग तो याद रह जाएगा, बट ये जो माउथ के चार पार्ट्स है, ये कैसे याद रखना है, सीरियल नंबर पे. ऐसा ना हो जाए कि पहले हम लेबियम लिख दे, फिर लेब्रम लिख दे. तो उसके लिए एक नेमोनिक है, लेबर, आर है ना, तो यहाँ पे आर,
लेबर मैन. एक मैन है जो क्या है, लेबर है, लेबर का काम करता है, लेबर मैन. उसका नाम है मैक्स. क्या याद रखना है, एक लेबर है लेब्रम, मैन है मैंडिबल, एक लेबर मैन है जिसका नाम क्या है मैक्स है, मैक्सिले. वो कहाँ पे गया पता है क्या, कहाँ गया, लैब में गया, वेंट टू लैब. कहाँ गया, लेबर मैन लैब में गया, लैब में जाने की जरूरत नहीं थी उसको, वो लैब में गया, याद रखना है. सो लेबर मैन मैक्स वेंट टू लैब. लेबर लेब्रम मैन मैंडिबल्स, मैक्स मैक्सिले एंड लैब लेबियम. सो अभी लेब्रम और लेबियम में कंफ्यूजन ही नहीं होगा बिकॉज लेबर पहले आता है. लेबर मैन मैक्स वेंट टू लैब, लेब्रम मैंडिबल मैक्सिले एंड लेबियम, राइट. सो आई होप माउथ पार्ट्स आर क्लियर नाउ एंड दिस इज हाइपोफैरिंक्स. लेट अस अगेन सी माउथ पार्ट्स. फिर से बताओ मुझे व्हाट आर द माउथ पार्ट्स. दिस पार्ट इज लेबर मैन है ना, लेब्रम, राइट, देन लेबर मैन मैंडिबल्स, दोनों मैंडिबल्स, देन लेबर मैन मैक्स मैक्सिले एंड वेंट टू, कहाँ गया वो, लैब में गया ना, लेबियम. लेबर मैन मैक्स वेंट टू लैब, ये याद रखना है. दिस इज द माउथ ऑफ द कॉकरोच, ये वाला माउथ. एंड यहाँ पे उसका टंग होता है जिसको बोलते हैं हाइपोफैरिंक्स. ओके, हाइपोफैरिंक्स मीन्स टंग. टीथ यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, दे आर प्रेजेंट इन साइड द स्टमक. ओके, सो हेड पार्ट इज ओवर नाउ. वी हैव स्टडीड फर्स्ट पार्ट हेड, नाउ वी विल मूव ऑन टू सेकेंड पार्ट थोरैक्स. हेड एंड दिस पार्ट हेड, हेड में हमने क्या क्या स्टडी किया. हेड कंटेन्स कंपाउंड आईज, हमको सिंपली आईज नहीं बोलना है, क्या बोलना है, कंपाउंड आईज. देन These are called as antennae, antennae, and thirdly यहाँ पे क्या है, mouth, right? Mouth के भी हमने parts देखे. What are the mouth parts? Labor man, labrum, then mandible, then maxillae, and then labium or hypopharynx, right? सो हेड पार्ट हमने स्टडी कर लिया. लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट विच इज थोरैक्स. सो दिस इज थोरैक्स. ये जो थोरैक्स है ये डिवाइड हुआ है तीन पार्ट्स में. ओके, जो पहला है, पहले को प्रो बोलते हैं हमेशा बायो में, तो दिस इज प्रो थोरैक्स. ओके, प्रो थोरैक्स. जो सेकेंड है मिडल है, मिडल मतलब मीजो, मीजो थोरैक्स. मीजो का मतलब मिडल होता है, प्रो का मतलब फर्स्ट होता है. एंड लास्टली इट इज मेटाथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, मेटा लास्ट. सो दिस थोरैक्स, ये जो पार्ट है, ये दिस इज डिवाइडेड अगेन इनटू थ्री पार्ट्स. हम लोग सेकेंड पार्ट देख रहे हैं विच इज थोरैक्स. ओके, थोरैक्स इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स. नाउ कॉकरोच के, कॉकरोच की बॉडी में देर आर थ्री पेयर ऑफ लेग्स. पेयर्स बोल रही हूँ मैं, इस साइड से भी रहेंगे और इस साइड से भी रहेंगे, बट दिस साइड आई विल नॉट ड्रॉ बिकॉज आई हैव रिटन दिस नेम. आई विल ड्रॉ दिस साइड लेग्स. तो लेग्स जो होते हैं वो प्रोथोरैक्स से एक लेग अराइज होगा. एंड ये फाइलम आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है ना, तो देखो जॉइंट है यहाँ पे, जॉइंट फिट. एक लेग यहां से अराइज होगा प्रोथोरैक्स से, एक लेग अराइज होगा मीजोथोरैक्स से, एक लेग अराइज होगा मेटाथोरैक्स से. ओके, सो इसको बोलते हैं, और सेम ऐसे ही तीन उधर वो साइड में भी रहेंगे, तो इसको बोलते हैं थ्री पेयर्स. तीन पेयर से, तीन इधर तीन उधर, थ्री पेयर्स ऑफ थोरैसिक
thoracic legs. Okay, clear? Three pairs of thoracic legs. So thorax is divided into three regions: prothorax, mesothorax, and metathorax. Or इसमें there are three pairs of thoracic legs. तीन legs इस तरफ, तीन legs उस तरफ, क्योंकि pairs है. Now again I am drawing thorax again. हम लोग thorax study कर रहे हैं, तो abdomen में रब करती हूँ. Suppose this is thorax. This is prothorax, this is mesothorax, and this is metathorax. ठीक है, prothorax, mesothorax, and metathorax. Okay, तो legs का तो हमने देख लिया. यही पे thoracic region में भी wings होते हैं. So mesothorax से एक pair wings का rise होगा, and ये जो wings होते हैं ना, इस तरफ एक mesothorax, ये जो विंग्स होते हैं ना, इनको बोलते हैं टेगमीना. ये याद रखना है, टेगमीना, या फिर इनको बोलते हैं फोर विंग्स, मतलब पहले विंग्स, फोर विंग्स. ओके, टेगमीना बोलो, फोर विंग्स. कैसे होते हैं ये? लेदरी होते हैं, ओपेक होते हैं, मतलब डार्क, डार्क कलर के होते हैं, ओपेक होते, ओपेक, लेदर जैसे, लेदरी. ओके, और कोई काम नहीं है ये विंग्स का जो मीजोथोरैक्स से अराइज होते हैं. इनका काम है बॉडी को कवर करना. ये पूरे कंप्लीट कॉकरोच के बॉडी को कवर कर लेते हैं. कवर बॉडी ऑफ कॉकरोच, ठीक है? तो कोई काम नहीं है ये विंग्स, सिर्फ नाम के हैं. ये उड़ने में हेल्प नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, बॉडी को कवर कर लेंगे. कॉकरोच के बॉडी के ऊपर सेटल हो जाएंगे ये विंग्स, ऐसे इस तरफ आ जाएंगे. दे आर कॉल्ड एज स्टेगमीना या फिर फोर विंग्स, एंड दे आर डार्क, ओपेक, लेदरी, ठीक है? एंड ये मीजोथोरैक्स से अराइज हो रहे, प्रोथोरैक्स से कोई विंग नहीं है. नाउ नेक्स्ट विंग अराइज फ्रॉम मेटाथोरैक्स, वो ऐसे है थोड़े. ओके, ये जो विंग्स है, एक्चुअली ये विंग्स फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. फ्लाई मतलब फ्लाइट, और ये विंग्स को बोलते हैं हाइंड विंग्स, हाइंड विंग्स. जैसे ये विंग्स बॉडी को कवर कर लेते हैं कॉकरोच के, ये विंग्स फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. फ्लाइट, फ्लाइट मतलब टू फ्लाई. और ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, ये जैसे डार्क कलर के होते हैं ना, ये डार्क कलर के नहीं होते, दे आर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट. सो टूडेज होमवर्क इज राइट द डिफरेंस बिटवीन फोर विंग्स एंड हाइंड विंग्स ऑफ द कॉकरोच. फोर विंग्स और हाइंड विंग्स में क्या डिफरेंस है, जितने मैक्सिमम पॉइंट्स लिख सकते हो वो लिखना है. दिस इज टूडेज होमवर्क. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, हम लोग कौन सा रीजन स्टडी कर रहे हैं? वी आर स्टडिंग थोरैक्स. जो हेड के बाद वाला पार्ट है उसको थोरैक्स बोलते हैं. थोरैक्स में दो चीजें हैं, एक है लेग्स और एक है विंग्स. नाउ लेग्स की बात करें तो देर आर थ्री पेयर्स ऑफ थोरैसिक लेग्स. एक अराइज होगा प्रोथोरैक्स से, एक अराइज होगा मीजोथोरैक्स से, एक अराइज होगा मेटाथोरैक्स से, राइट? सो प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स हम लोग सेकेंड पार्ट स्टडी कर रहे हैं. तो थोरैक्स कंटेंट्स लेग्स, जैसे इस साइड में है वैसे इस साइड में भी, तो इसको बोलते हैं थ्री पेयर्स ऑफ थोरैसिक लेग्स, थ्री पेयर्स ऑफ थोरैसिक लेग्स. नाउ सेकेंड, और क्या चीज है यहाँ पे थोरैक्स में? सेकेंड थिंग इज मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स से देर आर विंग्स अराइजिंग, राइट? एक ये विंग है, मीजोथोरैक्स अराइज होता है जिसको हमने बोला है फोर विंग, टेगमीना जिसको बोला है, एंड सेकेंड विंग अराइजेस फ्रॉम मेटाथोरैक्स. ओके, सो कॉकरोच के जो लेग्स है और विंग्स है वो थोरैक्स रीजन से अराइज होते हैं, याद रखना है. एंड सपोज दिस इज हेड, ये हेड है उसका और ये थोरैक्स है, तो बीच में उसका नेक भी होता है. देयर इज नेक प्रेजेंट,
Where is neck present? Between head and thorax. Neck is present between head and thorax. So this was all about thorax. Now we have till now seen three parts of the cockroach body. This is head. Head contains compound eyes, antennae and mouth. Then we have seen thorax. Thorax is divided into prothorax, mesothorax and metathorax. And यहाँ पे neck है, head and thorax के बीच में neck है cockroach का. Prothorax, mesothorax and metathorax से three pairs of leg arise. Mesothorax से one pair of wings and metathorax से one pair of wings. तो thorax तक हमने study कर लिया है. Now this lower part, abdomen part. ये जो नीचे का पार्ट है ना, इसको एब्डोमेन बोलते हैं. एंड दिस पार्ट इज डिवाइडेड इनटू 10 सेगमेंट्स. ओके, यहाँ पे कितनी सेगमेंट्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. ओके, 10 सेगमेंट्स आर देयर. टोटल 10 सेगमेंट्स आर देयर इन द एब्डोमेन पार्ट. नाउ हेड एंड थोरैक्स को वी विल लीव दिस पार्ट, वी विल स्टडी एब्डोमेन पार्ट. एंड यू कीप इन माइंड, ये जो एब्डोमेन पार्ट है इसमें कितनी सेगमेंट्स है? 10 सेगमेंट्स इन एब्डोमेन. ठीक है, एब्डोमेन पार्ट मीन्स ये. लेकिन ये जो एब्डोमेन पार्ट है ना, ये मेल एंड फीमेल कॉकरोच का डिफरेंट होता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. बट ये याद रखना है कितनी सेगमेंट्स है एब्डोमेन पार्ट में. There are 10 segments. Now, let us consider this is a female cockroach. ठीक है, female cockroach को consider करते हैं. And सिर्फ मैं अभी abdomen वाला part draw करूंगी. This is abdomen part. Okay. This is abdomen part of the female. Female cockroach and male cockroach का abdomen वाला part different होता है. हम लोग abdomen third part देख रहे हैं, last part देख रहे हैं. Now it is divided into segments. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now 7 segments से थोड़ा सा ये special हो गया. देखो 7 ऐसा boat shape है. 7 segment है ना, boat के जैसा है. और मैं स्टर्ना की बात कर रही हूँ. स्टर्ना, स्टर्ना मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट वेंट्रल साइड, नॉट डोर्सल साइड. मैं स्टर्ना की बात कर रही हूँ. 7 ये बोर्ड शेप है, फिर 8 उसको जॉइन है और 9. ओके, 9. तो ये जो 7, 8, 9 ये तीनों स्टर्ना की बात कर रही हूँ मैं. मतलब ये साइड से 7, 8, 9 को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये जो तीनों मिलके एक पाउच बनता है, ये जो रीजन बनता है इसको बोलते हैं ब्रूड पाउच. ब्रूड पाउच या फिर जनाइटल पाउच. ओके, ब्रूड पाउच या फिर जनाइटल पाउच मतलब यहाँ पे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड इवेंट्स होंगे. तो यहाँ पे क्या क्या है? तो यहाँ पे गोनोपोर है, एक रीजन होता है गोनोपोर. ठीक है, देन यहाँ पे है कोलैटरल ग्लैंड्स. यहाँ पे इसके अंदर यहीं पे कहीं पे है कोलैटरल ग्लैंड्स. एंड यहीं पे होता है एक रीजन जिसको बोलते हैं स्पर्माथिका. स्पर्माथिका ये तीनों क्या है वो हम लोग बाद में देखेंगे. बट यहाँ पे ये जो ब्रूड पाउच है या फिर जेनाइटल पाउच इसको बोलते हैं, ये वाला रीजन 7, 8, 9 ये तीनों को मिलके जो रीजन बनता है इसको बोलते हैं ब्रूड पाउच या फिर जेनाइटल पाउच. यही रीजन में सब रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज होगी. ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फीमेल्स डिफरेंट है. वी विल सी स्ट्रक्चर ऑफ मेल ऑल्सो. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब स्पर्म्स विल कम हियर थ्रू दिस स्पर्मेटिका, गोनोपोर एंड कोलेट्रल ग्लैंड है यहाँ पे. ओके, सो 7, 8, 9 स्टर्ना, ये याद रखना है आप लोगों को एब्डोमेन में स्पेशली. 7, 8, 9
7+8+9 ये रीजन को बोलते हैं ब्रूड पाउच, जेनेटल पाउच। कौन सा रीजन? वेंट्रल रीजन, स्टर्ना की बात चल रही है ये साइड में। तो इसका जो ब्रूड पाउच कहाँ होता है? वेंट्रल रीजन में होता है। यहाँ पे रिप्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज यहाँ होगी, रिप्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज यहाँ नहीं होगी। जैसे हम ह्यूमंस में टेस्टीज ओवरीज प्रेजेंट होती है, फीमेल्स में ओवरीज प्रेजेंट होती है, तो वो ओवरीज यहाँ प्रेजेंट होती है। ओके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे है, उसी को ब्रूड पाउच बोला है या फिर जेनाइटल पाउच बोला है। विच कंटेंस, ये तीन पार्ट याद रखना है, गोनोफोर, कोलेट्रल ग्लैंड एंड स्पर्मेटिका। ये तीनों भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। हमने देखा है ना ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो वैसे ये कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये पार्ट्स है। ओके, 7, 8, 9। देन लास्टली 10th जो सेगमेंट होता है ना, यहाँ पे होते हैं ये ऐसे सेंसिटिव एरिया, सेंसेशन वाले एरिया। ओके, इनको बोलते हैं एनल सरसाई, सरसाई 10th सेगमेंट। ओके, तो जो 10th सेगमेंट है वहां पे क्या है? दिस इज 10th सेगमेंट, एनल सरसाई। ये दोनों साइड पे एनल सरसाई होते हैं। ये एंटीना जैसे, यहाँ पे एंटीना होता है हेड पे, वैसे ही काम करते हैं एंटीना जैसा। सो दीज थिंग्स इन फीमेल, फीमेल कॉकरोच में एब्डोमेन के पार्ट्स में ये याद रखना है, इट इज डिवाइडेड इनटू 10 सेगमेंट्स, पहली बात। दूसरी बात, 7, 8, 9 जो सेगमेंट है, और कौन सा पार्ट? ये स्टर्ना, इसको मिला के बनता है ब्रूड पाउच या फिर जेनाइटल पाउच, विच कंटेन्स गोनोफोर, कोलेट्रल ग्लैंड एंड स्पर्मेटिका। ये क्या है हम आगे देखेंगे। एंड 10th सेगमेंट पे क्या होता है? एनल सरसा, जो सेंस ऑर्गन से एंटीना जैसा काम करते हैं। सो दिस वॉज अबाउट फीमेल। एब्डोमेन में सारा कुछ कौन से साइड में था? वेंट्रल साइड में था। ये जो 7, 8, 9 की बात चल रही है, जहाँ पे जेनाइटल पाउच था, ब्रूड पाउच था, वो वेंट्रल साइड में था। ओके, और यहीं पे उसके सारे बाकी के पार्ट्स लोकेटेड है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, लेकिन वेंट्रल साइड में है, ये याद रखना है, वेंट्रल। ओके, स्टर्ना मतलब वेंट्रल। नाउ वेयर एज इन मेल्स, मेल्स का जब हम एब्डोमेन देखते हैं ना, तो बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे 7, 8, 9 स्टर्ना की बात चल रही थी, यहाँ पे देखो 9th एंड 10th टर्गा। टर्गा मतलब मेल्स का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, टेस्टिस, जहाँ पे स्पर्म्स बनेंगे, वो डॉर्सल है। फीमेल का वेंट्रल है और मेल्स का डॉर्सल है, ये याद रखना है। टर्गा मतलब डॉर्सल। ओके, डॉर्सल साइड में है, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट ऑन डॉर्सल, जिसको 9th सेगमेंट में और 10th सेगमेंट में ब्रूड पाउच है उसका। वेयर एज यहाँ पे 7, 8, 9 स्टर्ना में था, इधर था, यहाँ पे 9th और 10th टर्गा में है। ओके, इसका ब्रूड पाउच, और उसमें थोड़ा सा 9th स्टर्नम भी इन्वॉल्व है, 9th वाला थोड़ा वेंट्रल पार्ट भी इन्वॉल्व है। मतलब 9th स्टर्नम, 9th टर्गा, 10th टर्गा, ऐसे तीनों मिलके ब्रूड पाउच बनता है। ओके, मेल्स में 9, 10 याद रखना है, फीमेल्स में 7, 8, 9 याद रखना है। वेयर एज फीमेल्स में वेंट्रल याद रखो, वेंट्रल, एंड मेल्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है? डॉर्सल। कीप इन माइंड डॉर्सल साइड में है ये सारी चीजें। नाउ 10th जो सेगमेंट है, वहां पे एनस है। ओके, और कौन से साइड में? देखो एनस, ऑब्वियसली ये वाला साइड डॉर्सल है। ओके, टर्गा मतलब डॉर्सल ना, ये वाला साइड डॉर्सल, तो एनस जो होता है वो डॉर्सल साइड में होता है। और यहाँ पे वेंट्रल साइड में, वेंट्रल साइड में दो चीजें हैं, जेनाइटल पोर और गोनापोफाइसिस। ठीक है, 9th और 10th के वेंट्रल साइड में जेनाइटल पोर और गोनापोफाइसिस नाम के ऑर्गन्स है, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, वो आगे हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे। बट अभी के लिए लोकेशन याद रखना है, एनस कहाँ प्रेजेंट है? डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है। जेनाइटल पोर और गोनापोफाइसिस कहाँ प्रेजेंट है? वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है, इतना याद रखना है। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 9th और 10th टर्गा में है मेनली। ओके, वेयर एज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 7th, 8th, 9th स्टर्ना में है। नाउ नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे एनल सरसाई है सेंस ऑर्गन, वैसे मेल्स में भी देर आर एनल सरसाई, बट देर इज वन स्पेशल ऑर्गन इन मेल्स, हम लोग मेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं
ये एनल स्टाइल, एनल स्टाइल नाम का एक ऑर्गन है जो मेल कॉकरोच में होता है एब्डोमेन में, 10th एब्डोमेन में, वेरस यहाँ पे एनल स्टाइल प्रेजेंट नहीं है. सो विथ रिस्पेक्ट टू फीमेल एंड मेल कॉकरोच एब्डोमेन में क्या डिफरेंसेस है, टुडेज होमवर्क अगेन इज टू राइट द डिफरेंस बिटवीन फीमेल एब्डोमेन एंड मेल एब्डोमेन. अगेन आई एम रिपीटिंग वेरी फर्स्ट डिफरेंस, ब्रूड पाउच इज प्रेजेंट इन 7, 8, 9 स्टर्ना, whereas brood pouch is present in 9th, 10th terga and 9th sternum. Then second difference, anal style is present in male whereas anal style is absent in female. Third difference, आप इसको ये parts को लेके भी लिख सकते हो, जो females में हमने यहाँ पे कौन से part होते हैं देखा है, वो part they are present in female abdomen and genital pore, gonapophysis and anus is present in male abdomen. So these are the differences between female and male. And diagram जो है वो आपको book में एक cockroach का पूरा morphology वाला एक common diagram दिया है, that you have to draw. And morphology या फिर external study is over now. Now next lecture we will move on to internal organs. Cockroach की जो internal organs है उसका